हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2021 के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो चलिए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जो वैकेंसी निकल कर के आई है वह दरअसल एक यूनिवर्सिटी है, एक विद्यापीठ है जिसका नाम है वनस्थली विद्यापीठ। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यदि आपको इसके वेबसाइट पर जाना है तब आप गूगल में जाएंगे और टाइप करेंगे वनस्थली विद्यापीठ पीएचडी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। सबसे पहले नंबर पे जो आएगा पीएचडी प्रोग्राम्स वेलकम टू वनस्थली विद्यापीठ, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, अपना सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, जैसे कंप्यूटर साइंस है, का फार्मेसी है, केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिक्स है, संस्कृत फिलॉसफी एंड वैदिक स्टडीज़ है, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज़ है, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेज़ है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर है, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, होम साइंस है, एजुकेशन है, कॉमर्स एंड बैंकिंग है, मैनेजमेंट है, डिज़ाइन है, लीगल स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, अर्थ साइंस है एंड एविएशन एंड ऑटोमेशन है। टोटल 29 सब्जेक्ट हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट में सीट निकल करके आया है। यदि बात कर लेते हैं योग्यता की, तो यदि आपके पास नेट एवं जारिफ नहीं है तब आपको यहाँ पर आरईटी यानी रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और यदि आपके पास नेट है, स्लेट है, गेट है या फिर एमफिल है तब आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर होने का मौका मिलेगा। और मास्टर डिग्री में आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, और यदि आप SC ST या फिर PH कैंडिडेट हैं देन मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। आप यहां पे तमाम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहां पे जब आप ये देख लेंगे तो फिर आप यहां पे क्लिक कर लीजिएगा रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इसमें दिया हुआ है इसके रैंकिंग के बारे में, इसको NAC के द्वारा A++ ग्रेड मिल चुका है, ए ग्रेड भी मिला है QS ब्रिक्स रैंकिंग में, टाइम्स हायर एजुकेशन वगैरह में सब देख सकते हैं इसका अचीवमेंट है इस विद्यापीठ का। और आगे आप देख लीजिए इसमें डेट ऑफ RET एग्ज़ाम, जो आपका RET होगा वह 4 जुलाई को होगा, और यदि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें तो आप 25 जून तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त समय है, अभी तो आज 18 तारीख है यानी एक सप्ताह है आपके पास। उसके बाद यदि आप टेस्ट देंगे, चूँकि यदि आप केवल मास्टर किए हैं तब आप यहाँ से देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, डिटेल सिलेबस, फी नोटिस या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हर एक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यदि सिलेबस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखिए यहाँ पे दो तरीके का आपके पास टेस्ट होगा। पहला जो पेपर होगा उसमें आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, जो कि UGC नेट का कंप्लीट सिलेबस है, बिल्कुल वही यहाँ पर पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन है एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन कौन सा हिस्सा पूछा जाएगा वह भी यहाँ पर दिया हुआ है, और आगे आप इसमें चेक कर सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेबस को देख सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए कंपाइलर डिज़ाइन का या Unit 4 में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ये सब कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप ऐसे स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाएंगे तो आपके सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बारी बारी से दिख जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने दिख रहा है। यदि फ़ी नोटिस की बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत कम फ़ी लगेगा, इंट्रेंस टेस्ट का 800 रुपया फ़ी लग रहा है, कोर्स बुक वगैरह का फिर जो आगे एडमिशन की बात होगी तब 800 रुपया लगेगा, तो बहुत कम फ़ी है, आप यहाँ पर आराम से PhD कर सकते हैं। और यह जो यूनिवर्सिटी है साथियों, यह जो विद्यापीठ है वह दरअसल जयपुर में लोकेटेड है, राजस्थान में। तो जो लोग राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं या फिर नॉर्दर्न इंडिया में रहकर PhD करना चाहते हैं, यह उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आपको निश्चित तौर पे यहाँ का फॉर्म भरना चाहिए।
हमारे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और किसी भी प्रकार का कोई सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।